सब्सक्राइब कीजिए टेक जुगाड़ो चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट है, अगर आप लोग उन सभी प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हो, जितने भी प्रोडक्ट हैं जैसे कि आईफोन हुआ, मैकबुक प्रो हुआ, एप्पल के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सभी की आप लोग एक 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 अगर आप लोग उनको परचेज करते हो तो उनका टोटल कितना निकलेगा। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा फनी क्वेश्चन होने वाला है ये, और आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ इन सभी एप्पल के प्रोडक्ट्स के बारे में कि हम अगर इन सभी प्रोडक्ट को एक 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 यूनिट परचेज करते हैं तो हमारे टोटल जो बैग होगा कि टोटल कितनी प्राइस होने वाली है। मुझे भी पता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे ये सब कुछ जानने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि हम अगर एक एक यूनिट खरीदते हैं एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी के तो यहाँ पर टोटल बैग में कितने रुपये बनेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को मेरी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा, जब ही आप लोगों की सबको समझ में आएगा। सो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम यहां पर एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी एक एक यूनिट को परचेज करेंगे और वो यूनिट उन सभी में हायर स्टोरेज, हायर प्रोसेस, हायर सब कुछ उसमें हम यहां पर हाईएस्ट ही लेंगे और उसकी एक एक यूनिट को लेंगे, जैसे कि मैकबुक की एक यूनिट को, आईपैड की हाईएस्ट एक यूनिट को, आईफोन के जितने भी आईफोन 11 है या 12 है तो हम यहाँ पर आईफोन 12 प्रो लेंगे, फिर वॉच के लेंगे, उसके भी यहाँ पर हाई रेंज का लेंगे, टीवी का भी लेंगे, तो ऐसे ऐसे करके हम एक एक यूनिट लेंगे यहाँ पर सभी भी प्रोडक्ट की। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैकबुक से। तो दोस्तों, अब आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर हम मैकबुक का एक यहाँ पर यूनिट लेंगे सबसे हाई वाला, यानी मैकबुक एयर, उसको हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर हम मैकबुक एयर को लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बोल रहा है कि आप लोगों को मैकबुक में कौन सा लेना है, मैकबुक एयर में, तो हम यहाँ पर लेंगे दोस्तों 1,17,900 रुपीज़ वाला, ये सबसे हाई है इसमें। 8 GB 512 SSD स्टोरेज, इसमें 256 स्टोरेज दोस्तों। एड टू बैग। अब दोस्तों, और दूसरा परचेज करेंगे यूनिट मैकबुक की, जैसे कि प्रो 16 को लेंगे हम यहाँ पर, इसको भी बाई पर क्लिक करेंगे। 16 इंच 2,39,000, 16 इंचेस का रेटिना डिस्प्ले विद ट्रू टोन्स, 1 TB SSD, इसमें 512 SSD है। एड टू बैग। अब दोस्तों, और परचेज करेंगे, अब लेंगे आई मैक को या आई मैक प्रो लेंगे, आई मैक की एक यहाँ पर सीरीज ले लेंगे, आई मैक की एक यूनिट ले लेंगे 27 इंचेस एंड सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट को। एड टू बैग। अब लेंगे आई मैक प्रो में से एक यूनिट, इसको भी बाई करेंगे दोस्तों, इसको भी परचेस करेंगे 4,64,900 रुपीज़, 1 TB SSD स्टोरेज है इसमें, सबसे हाई आई मैक प्रो में। अब दोस्तों, और लेंगे CPU, अब लेंगे मैक प्रो CPU। अब बात करते हैं यहाँ पर CPU की, एक यूनिट लेंगे सबसे हाई वाली, उसको भी देखते हैं उसकी क्या प्राइस रहने वाली है। अब दोस्तों, इसे यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसका, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई वाला लेंगे दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर 2.6 GHz एंड 28 कोर इंटेल। एंड दोस्तों, मेमोरी की बात करें तो मेमोरी में हम यहाँ पर लेंगे 768 GB। एंड अब इसके ग्राफिक्स कार्ड की, तो इसका भी ग्राफिक्स कार्ड 8 GB का सबसे हाई वाला। एंड दोस्तों, इसके स्टोरेज की 8 TB स्टोरेज। एंड उसके बाद यहाँ पर आफ्टर बर्नर कार्ड एंड माउस मैजिक, और ये हुआ 27,44,800 रुपीज़, इतना सब कुछ लेने के बाद। अब इसे एड टू बैग में करेंगे। अब अगेन दूसरा यहाँ पर प्रोडक्ट परचेज करेंगे मैक मिनी, उसको भी परचेज करने के बाद यहाँ पर उसे भी बैग में यहाँ पर डालेंगे। और दोस्तों, इसमें मैक मिनी में सबसे हाईएस्ट यहाँ पर 512 GB स्टोरेज वाला ले रहे हैं और इसको भी कस्टमाइज़ करेंगे। एंड कस्टमाइज़ करने के बाद भी इसको हम यहाँ पर एड टू बैग में क्लिक करेंगे। इसे अभी सबसे पहले यहाँ पर कस्टमाइज़ कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा हाई प्रोसेसर, सबसे ज़्यादा हाई रैम मेमोरी, सबसे ज़्यादा हाई स्टोरेज 2 TB SSD की स्टोरेज, सब इथरनेट भी ले लेंगे अगर लगाना चाहते हैं हम, इसे भी एड टू बैग में करेंगे। एंड इसका टोटल बैठा है 2,94,900 रुपीज़।
अब अगेन मैक में जाएंगे, अब लेंगे दोस्तों एसेसरीज, जितना था वो मैकबुक एयर प्रो जो सब थे वो सब परचेज कर लिए हैं, अब जाएंगे एसेसरीज में। अब दोस्तों चलते हैं आईपैड में, अब आईपैड में यहाँ पर सबसे हाई आईपैड जो है उसे परचेज करेंगे, यानी कि आईपैड प्रो, आईपैड एयर, आईपैड, आईपैड मिनी और दोस्तों एप्पल पेंसिल है, कीबोर्ड है, एयरपोर्ट्स है, एसेसरीज है। तो यहाँ पर सबसे पहले आईपैड प्रो में चलते हैं। हम दोस्तों आईपैड प्रो में आ चुके हैं, आईपैड प्रो को भी हम यहाँ पर परचेज कर लेते हैं। इसकी जितना भी कॉन्फ़िगरेशन होगा जिसका उसका सबसे ज़्यादा हाई वाला करेंगे। 12 इंच डिस्प्ले लेंगे, इसमें कलर ले लेंगे सिल्वर, इसकी स्टोरेज लेंगे 1 TB एंड उसके बाद वाईफाई प्लस सेलुलर भी ले लेंगे कनेक्टिविटी के लिए। एंड इस बैग की कीमत की बात करें, एंड दोस्तों अब इसे ऐड टू बैग में क्लिक करते हैं, तो ऐड टू बैग में क्लिक करने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं 1,48,900 रुपीज़। दोस्तों अब आईपैड में अगेन चलेंगे और यहाँ पर और भी चीज़ परचेज करेंगे, आईपैड एयर है जो न्यू लॉन्च हुआ है उसे भी यहाँ पर ले लेंगे। बाई पर क्लिक करेंगे आईपैड एयर को, स्पेस ग्रे, 268, वाईफाई प्लस सेलुलर एंड ऐड टू बैग, ये हुआ है 80,900 रुपीज़ का। अब दोस्तों यहाँ पर एयरपोर्ट्स को यहाँ पर परचेज करेंगे एक एक यूनिट, उसकी सबसे ज़्यादा हाई वाली, सबसे हाई वाली यहाँ पर एयरपैड प्रो मैक्स निकली है, उसको यहाँ पर परचेज करेंगे जो कि 59,000 रुपीज़ सबसे हाई इसका। यहाँ पर दोस्तों कलर चूज़ करेंगे, कलर चूज़ करने के बाद यहाँ पर इसकी अगर कीमत की बात की, 59,900 रुपीज़ यहाँ पर इसकी यूनिट की प्राइस है। एंड इसे भी यहाँ पर दोस्तों परचेज कर लिया है। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर फ़ोन्स की तरफ, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वॉचेस, टीवी, म्यूज़िक, उन सभी को यहाँ पर परचेज करेंगे अभी सभी। यहाँ पर सबसे महंगा है यहाँ पर आईफोन 12 प्रो, तो हम यहाँ पर इसको परचेज करेंगे एंड उसमें यहाँ पर बाई पर क्लिक करेंगे, आईफोन 12 प्रो मैक्स गोल्ड कलर, 512 GB स्टोरेज, नो एप्पल केयर एंड इसकी कीमत हुई 1,59,900 रुपीज़। अब दोस्तों वॉचेस में जाएंगे, वॉचेस में भी यहाँ पर परचेज करेंगे सबसे महंगी यूनिट को, नई वॉच निकली है ये एप्पल वॉच सीरीज 6, इसमें से यहाँ पर सबसे हाई सीरीज वाली को यहाँ पर परचेज करेंगे। एंड दोस्तों उसको परचेज करने के बाद यहाँ पर इसे बैग में क्लिक करेंगे एंड बैग में यहाँ पर ये पहुँच जाएगा, तो इसकी यहाँ पर प्राइस देख लेते हैं। एंड दोस्तों अब यहाँ पर परचेज की है हमने यहाँ पर एप्पल वॉच सीरीज की 6, एप्पल वॉच सीरीज 6 यहाँ पर परचेज की है एंड यहाँ पर इसका कलर ले लिया एंड 44 mm की यहाँ पर रिस्ट वॉच है और इसकी दोस्तों यहाँ पर सेलुलर प्लस GPS कनेक्शन एंड उसी के साथ इसके बैग की कीमत होती है 52,900 रुपीज़ एड टू बैग में करेंगे एंड इसको भी यहाँ पर इसे परचेज करेंगे। एंड यहाँ पर वॉचेस परचेज करने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ अब इस बैग की कीमत को भी अब यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी एक और न्यू वॉच लॉन्च हुई है जो कि है एप्पल वॉच SE, इसे भी यहाँ पर परचेज कर लेते हैं एंड इसे भी यहाँ पर बाई पर क्लिक करने के बाद अभी आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर इसकी प्राइस की, तो प्राइस अभी यहाँ पर आप लोगों को डिस्क्लोज हो जाएगी एंड इसको भी यहाँ पर अपने बैग में परचेस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि हमारी जो टोटल बैग की जो कीमत है वो कितनी होनी है। एलुमिनियम केस विद स्पोर्ट बैंड एंड उसी के साथ अभी इसे यहाँ पर परचेस करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। एंड दोस्तों इसके स्पेक्स के बारे में पता लगाने के बाद अभी से यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसका, वाइड 44 mm एंड GPS प्लस सेलुलर एंड यहाँ पर इसके बैग की कीमत की बात करें तो यहाँ पर 36,900 रुपीज़ इस वॉच की कीमत हो जाएगी। एंड वॉच परचेस करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर परचेस करेंगे हम टीवी की एक यूनिट जो कि सबसे ज़्यादा हाई होगी एंड उस टीवी को परचेस करने के बाद सिंपली से हम यहाँ पर सीधे अपने बैग पर जाएंगे, वहाँ पर ये देखेंगे कि हमारी जो बैग की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी हुई है। एप्पल टीवी 4K यहाँ पर परचेस करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा हाई बताई जा रही है एंड इसको यहाँ पर बाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसे अपने ऐड टू बैग में क्लिक कर लेंगे। आप लोग देख सकते हो एप्पल की जो टीवी है 4K, इसको भी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एंड कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इसे भी यहाँ पर परचेज करेंगे 64 GB एंड उसके बाद इसके बैग की कीमत की बात करें तो। एंड दोस्तों एप्पल टीवी 4K परचेज करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर चलते हैं हम सीधा अपने बैग में एंड देखते हैं यहाँ पर हमारी जो टोटल बैग की कीमत हुई है उसकी, यहाँ पर आप लोग देख कर चौंक जाओगे। इस बैग की जो टोटल कीमत है वो है दोस्तों, हमारे टोटल बैग की कीमत हुई है वो है
41,76,280। एंड दोस्तों इन सभी प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद आप लोग देख सकते हो 41,76,280 टोटल वैल्यू हुई है इन सभी प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद। जैसे कि एप्पल की टीवी 4K, यहाँ पर एप्पल वॉच की आप लोगों को बता दूँ सीरी ऐसी एप्पल वॉच सीरी 6 को परचेज किया जो कि 52,000 रुपीज़। iPhone 12 Pro Max Gold जो कि 512 GB वेरियंट है उसको 1,59,000 रुपीज़। एंड एयरपोड मैक्स यहाँ पर 59,000 रुपीज़। एंड यहाँ पर iPad Air जो परचेज़ किया वो 80,000 रुपीज़। एंड यहाँ पर ये परचेज़ किया है iPad Pro यहाँ पर 1,48,000 रुपीज़। एंड Mac Mini यहाँ पर 2,94,000 रुपीज़। एंड MacBook Pro आप लोगों ने 27,44,800 रुपीज़ CPU परचेज़ किया। एंड 27 इंचेस की iMac Retina 5K डिस्प्ले वाली परचेज़ किया वो किया 2,19,000 रुपीज़। एंड 16 इंचेस का MacBook Pro परचेज़ किया जो 2,39,000 रुपीज़। 13 इंचेस का MacBook Pro Air Space Grey जो कि 1,17,000 रुपीज़। एंड टोटल जो बैग की वैल्यू हुई है वो 41,76,280 रुपीज़। ओ माई गॉड, इतना। अगर कोई भी बंदा इन सभी प्रोडक्टों को परचेज़ करता है तो उसको यहाँ पर इतना रुपया पे करना पड़ेगा एप्पल को। दोस्तों वैसे तो एप्पल के प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, बट आप लोगों को बता दूँ जो एप्पल की क्वालिटी होती है वो सबसे ज़्यादा डिफरेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर जो एप्पल की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग निकालता है। सबसे ज़्यादा अपनी क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देता है, इसलिए उसकी नाम और दोस्तों उसका एप्पल का नाम काफ़ी ज़्यादा बिकता है। तो यही है 41,76,280 रुपीज़ की आप लोगों को। सो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन आया उसे भी दबा दें। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।